अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल प्रोफेशनल कीज़। आज के हम लेक्चर में ये देखेंगे कि एवरेज के कितने फंक्शन हैं, एवरेज एक्सेल में किस तरह यूज़ होता है और एवरेज को हम अपने फाइनेंशियल डाटा के ऊपर किस तरह अप्लाई करेंगे। एक्सेल में एवरेज के चार फंक्शंस हैं, एवरेज, एवरेज ए, एवरेज इफ एंड एवरेज IFS इफ्स। ये हमारे पास एक सेल का डाटा दिया हुआ है जिसमें 3 महीने मेंशन है। 3 महीने का हमने ये सेल पर्सन हैं, इनके 3 महीने की ये सेल मैंने सम इफ्स फार्मूले से निकाली है। ये सम इफ्स फार्मूला हमारा पिछले लेक्चर में हम इसको तफसील से देख चुके हैं। आज का हमारा लेक्चर जो होगा वो एवरेज के ऊपर होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम एवरेज में हम सिंपल देखते हैं टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। हमारे पास टोटल वैल्यू जो है वो सेल की ये होगी और टोटल नंबर जो होंगे नंबर ऑफ मंथ्स होंगे। ये तो उसका है कन्वेंशनल मैथ की रूह से फार्मूला। फिर हम देखेंगे मेथड 2 में एवरेज का एक्सेल ने कौन सा फार्मूला बनाया हुआ है, फिर एवरेज ए और एंड सो ऑन। हम दूसरे चीज़ें भी देखते हैं। सो हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे हम मेथड 1 जो एवरेज का कन्वेंशनल फार्मूला मैथ की रूह से है उसको अप्लाई करते हैं। वो ये है कि टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, इक्वल का साइन दबाएंगे, ये टोटल वैल्यू है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। टोटल नंबर्स ऑफ मंथ्स जो हैं वो ये हैं। यहाँ पे 3 मंथ्स हैं, अगर चौथा मंथ डालना पड़ जाए तो यहाँ पे मैनुअली 4 भी कर सकते हैं तो वो एक लंबा काम हो जाएगा। मैं यहाँ पे काउंट का फार्मूला लगाऊंगा। काउंट का फार्मूला लगा के वैल्यू को ये पूरी रेंज हम सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर का बटन दबा देंगे, ठीक है, और कॉपी करके इसको हम नीचे पेस्ट करते हैं। ये है कन्वेंशनल फार्मूला एवरेज का, टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मंथ्स। अब दूसरा फार्मूला जो है हमारा, जो एवरेज का फार्मूला एक्सेल ने बनाया हुआ है उसको देखते हैं। इक्वल्स एवरेज लिखेंगे और ये एवरेज का फार्मूला करा, इसको डबल क्लिक करें, ये टैब के बटन से सिलेक्ट कर लें। अब वो मांग रहा है कि नंबर 1, 2, 3। समटाइम ये होता है कि आपके पास पूरे के पूरे 12 मंथ्स हैं या एक से ज़्यादा डाटा है, तो आपने उनमें से सिलेक्टेड मंथ्स जो हैं उनको सिलेक्ट करना है और उसकी एवरेज लेनी है। तो इसलिए आप नंबर 1, नंबर 3 एंड सो ऑन कॉमा के साथ सेपरेट करेंगे और ये ब्रैकेट क्लोज करके आप एवरेज ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने पूरे के पूरे 3 मंथ्स का एवरेज लेना है, तो सिंपली इस रेंज को सिलेक्ट कर लें और इंटर का बटन दबा दें। तो ये देखें, ये वाली एवरेज और ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। सो एक्सेल ने जो फार्मूला बनाया है वो बिल्कुल एक्यूरेट बनाया है, कन्वेंशनल के बराबर बनाया है। यहाँ पे एवरेज, सिंपल एवरेज को हमने कवर किया इसके 2 मेथड से। अब क्या है, एवरेज को हम किस लिए यूज़ करते हैं, अपने इसकी एम्प्लीकेशन जो है हमने किस तरह करनी है अपने फार्मूले फाइनेंशियल डाटा के ऊपर, वो क्या बता रहा है। वो ये बता रहा है हमें कि ताहिर का जो है एवरेज इन 3 महीनों में जो सेल रही है वो ये रही है 337,000। असलम की जो एवरेज सेल रही है वो इन 3 महीनों की 179,000 रही है। मोहसिन और अली की इस तरह की सेल्स रही हैं और एवरेज जो सेल रही है इन 3 महीनों में वो 133,339 रही है, ठीक है। सो इस तरह हमने ये कैलकुलेट किया कि सेल्स पर्सन की 3 महीनों में एवरेज क्या थी। अब हम देखते हैं, समटाइम आपके पास डाटा होता है जिसमें टेक्स्ट वैल्यू लिखी होती है और टेक्स्ट वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है, लेकिन ये वाला जो दोनों फार्मूले हैं ये टेक्स्ट वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करते, काउंट नहीं करते, सॉरी काउंट की बात कर रहा हूँ। जो नीचे हमने काउंट का फार्मूला लगाया था वहाँ पर वो काउंट नहीं होते। आइए देखते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एवरेज ए, ओके, इसको सिलेक्ट किया, इसको पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लिया मंथ्स की, इंटर का बटन दबाऊंगा तो बज़ाहिर तो हमें ये सारी की सारी सेम नज़र आ रही हैं,
आपको फ़र्क बताऊंगा मैं कि सिंपल एवरेज और एवरेज ए में क्या फ़र्क है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स, एक्स लिख दिया। एक्स लिखने से हमारी ये वाली जो सिंपल एवरेज की वैल्यूज़ थी ये चेंज हो गई हैं। चेंज क्यों हुई हैं? क्योंकि ये वाला जो फार्मूला है ये टेक्स्ट वैल्यू को कैलकुलेट नहीं, काउंट नहीं करता। जो डिवाइज़र में नंबर ऑफ मंथ्स हैं उसको इसने काउंट नहीं किया। देखें, इन तीनों को मैंने सेलेक्ट किया और एवरेज 470,000 है। इन दोनों को सेलेक्ट किया, फिर भी एवरेज 470,000 है। यहाँ पे काउंट दो हैं, यहाँ पे पहले तीन थे। इट्स मीन यहाँ पे उसने इसको काउंट नहीं किया। जबकि इस तरफ देखेंगे तो ये तीनों को काउंट करेगा, टैक्स को वैल्यू को ज़ीरो कंसिडर करके काउंट कर लेगा। ये इन दोनों में फ़र्क है। सो हमने दो एवरेज के फंक्शंस को देख लिया है। अब क्या है, एवरेज इफ़ की तरफ मूव करते हैं। एवरेज इफ़ जो है हमने एक कंडीशन के साथ या एक क्राइटेरिया के साथ हमने एवरेज लेनी है। वो क्राइटेरिया हमें ये बता रहा है कि हमारे सेल्स पर्संस की पर डे की एवरेज सेल क्या है। फाइन, अगर तो हम सेल पर्संस को क्राइटेरिया बनाएंगे तो सेल पर्सन की एवरेज पर डे सेल कैलकुलेट होगी। अगर हम मंथ को अपना क्राइटेरिया बनाएंगे तो हमारा मंथ की एक दिन की एवरेज सेल हमारी कैलकुलेट होगी। अभी मैं यहाँ पे इस तरफ भी आता हूँ, लेकिन पहले इसको कैलकुलेट कर लूँ। हमारा यहाँ पे क्राइटेरिया है सेल पर्सन। जब हमारा क्राइटेरिया मंथ्स होंगे तब मैं इस तरफ मूव करूँगा। तो यहाँ पे कैलकुलेट करें, इक्वल्स टू एवरेज इफ़, टैब का बटन दबाया। अब वो मांग रहा है कि क्राइटेरिया का रेंज क्या है। सिंपल रेंज लिखा हुआ है, लेकिन बाई डिफ़ॉल्ट इसका मतलब ये है कि क्राइटेरिया की रेंज कौन सी है। हमने यहाँ पे ये क्राइटेरिया सेट किया था, इसकी अब हमने रेंज देनी है। इसकी रेंज हमारी डेटाबेस में ये है। डेटाबेस में ये वाला पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लें, टॉप टू बॉटम ये वाला कॉलम सेलेक्ट हो गया। अब इस डाटे, इस पूरे कॉलम को हमने करना है फिक्स। फिक्स किस तरह करते हैं, F4 का बटन दबाओ के कलर साइन डॉलर साइन लगाएंगे। ये हमारे क्राइटेरिया की रेंज होगी सेलेक्ट। अब क्या है कि क्राइटेरिया हमने सेलेक्ट करना है, ये वाला क्राइटेरिया है। सिंपली इसको सेलेक्ट करने से पहले हमने कॉमा लगाना है। कॉमा लगाएंगे तो क्राइटेरिया की तरफ मूव हो जाएगा और क्राइटेरिया को सेलेक्ट करेंगे। और डॉलर साइन लगाने के लिए F4 का बटन दबाएंगे और पूरे का पूरा क्राइटेरिया फिक्स हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हमने क्राइटेरिया भी सेलेक्ट कर लिया। अब वो मांग रहा है कि एवरेज रेंज। एवरेज रेंज जो है हमने आपको याद हो के सम इफ फंक्शन में यहाँ पे देखा था सम रेंज। अब यहाँ पे एवरेज का फार्मूला है, इसलिए यहाँ पे वो एवरेज रेंज मांग रहा है। तो सम रेंज के लिए भी हमने यही सिलेक्ट कॉलम किया था, टोटल सेल का, सेल अमाउंट का। तो एवरेज के लिए भी यही लेना है हमने। लेकिन याद रहे कि टॉप और बॉटम से ये जो डाटा सेलेक्ट किया है दोनों की रेंज सेम होनी चाहिए। ठीक है, F4 का बटन दबा के इसको भी हमने फिक्स कर दिया। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर का बटन दबाएंगे। यहाँ पे कोई और चीज़ हमसे मांग रहा है, कॉमा नहीं लगाना था, हमने इंटर का बटन दबाया। इस तरफ देखें, अब ये जो वैल्यू निकली है ये क्या चीज़ है। ये वैल्यू हमें बता रही है कि ताहिर ने इन तीन महीनों में पर डे जो सेल की है वो ये है। उसकी एवरेज पर डे सेल ये रही। ठीक है, इसको ड्रैग करके नीचे पेस्ट करें और बाकी सेल्स पर्संस का भी हमारे पास डाटा आ जाएगा। फाइन, अब यहाँ पे ये टोटल क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ पे क्राइटेरिया सेट नहीं हुआ हुआ। ठीक है, थोड़ा सिस्टम स्लो है, इसको यहाँ पे आपने निल कर देना है। अब हमने यहाँ पे फंक्शन इफ़ लगाया हुआ है, सम इफ्स लगाया है, यहाँ पे भी अप्लाई कर दें क्योंकि हमारा जो न्यूमेरिक डाटा है वो सारे का सारा अप्लाई हो। और ये हमारे पास एवरेज डेली सेल्स आ गई हैं, लेकिन ये एवरेज डेली सेल है किसकी, इस क्राइटेरिया की, सेल्स पर्सन की है। अब हमने मूव करना है नीचे। यहाँ पे ये एनालिटिकली हम पहले ये देखते रहे हैं कि सेल्स पर्सन की पर डे सेल
या उनकी एवरेज सेल क्या थी। अब हमने देखना है हॉरिजेंटली कि इन मंथ्स में हमारी एवरेज के फिगर्स क्या रहे हैं, एवरेज डेली सेल कितनी रही है और एवरेज हमारे मंथ्स की सेल कितनी रही है। सो यहाँ पे सिंपल एवरेज का फार्मूला यूज़ करेंगे। एवरेज का फार्मूला यूज़ किया, एवरेज ये लग गया। एवरेज का फार्मूला यूज़ करके हमने ये पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली, इंटर का बटन दबा दिया। सो ये है जनवरी की एवरेज सेल, सही है। ये फेब की एवरेज सेल है और ये मार्च की। ये एवरेज सेल हमें ये बता रही है कि हमने इसको कंपेयर करना है ब्रेक इवन पॉइंट से, या अपने जो टारगेट सेट किए हैं उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो इस एवरेज सेल का ये फ़ायदा है। अब हमने ये देखना है कि हमने पर डे कितनी सेल की है, पर डे के हिसाब से भी हमने मंथ्स में देखना है। पहले तो हमने देखा था कि एक एक बंदा कितनी पर डे सेल कर रहा है, अब हमने देखना है कि एक एक दिन की सेल जो है वो कितनी हो रही है। यहाँ पे सेल्स पर्सन को इंक्लूड नहीं करना, तो इसके लिए हमारा जो क्राइटेरिया सेट होगा वो मंथ्स का होगा। इक्वल का साइन दबाएंगे यहाँ पे और एवरेज इफ़ का फार्मूला लगा के हम यहाँ पर डे की सेल ले लेंगे। अब पर डे यहाँ पे मंथ्स जनवरी की सेल लेने के लिए हमने रेंज सेलेक्ट करनी है, रेंज सेलेक्ट करनी है अपने क्राइटेरिया की। क्राइटेरिया की रेंज डीबी में ये वाली रेंज है, ये पूरे का पूरा कॉलम टॉप टू बॉटम सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट कर लिया और F4 के बटन से हमने इसको फिक्स कर लिया। जैसे ही फिक्स करेंगे और कामा का बटन लगाएंगे तो हमारा फार्मूला आगे शिफ्ट हो जाएगा और वो मांगेगा कि आप हमें क्राइटेरिया दें। क्राइटेरिया क्या है हमारा, इस टाइम हमने क्राइटेरिया ये यूज़ करना है मंथ्स को। ये मंथ्स हैं, ये हमारा क्राइटेरिया रहेगा और फिर इसको भी हमने यहाँ पे फिक्स कर लेना है। F4 का बटन दबाएंगे और कॉमा दबाने के बाद वो अब एवरेज सेल मांग रहा है, तो सेल वाला जो कॉलम है उसको सिलेक्ट करेंगे और उसको सिलेक्ट करने के बाद उसको फिक्स कर लें। फिक्स कर लें लेकिन एंड तक दोनों का एंड बराबर हो, सही है। सो हमारा फार्मूला तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब ब्रैकेट क्लोज करके फार्मूले को इंटर दबा रहे हैं, फाइन। लेकिन एक चीज़ रह गई थी कि जो सेल वाला कॉलम था, उस रेंज थी, उसको हमने फिक्स नहीं किया था, फाइन। अब ये वाली जो चीज़ हमारे सामने आई है, ये क्या चीज़ है, ये चीज़ ये बता रही है कि आपके पूरे जनवरी के 31 दिनों में से एक दिन की सेल है ये, ठीक है। एवरेज 30 दिनों की सेल है, ये फरवरी की पर डे की सेल है और ये मार्च के पर डे की सेल है। तो इस तरह हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारी पर डे की सेल क्या आ रही है। अगर 1, 2, 3, 4 मंथ्स इकट्ठे हो गए हैं तो उनमें से हम इस तरह एवरेज इफ्स फार्मूले से एवरेज डेली सेल निकाल लेंगे। अब हमारा एवरेज का फोर्थ फंक्शन है एवरेज इफ्स। एवरेज इफ्स में जाने के लिए आपको ये एक टेबल बनाना मैं बना के सिखाया है, जिसमें हमने दो क्राइटेरियाज लिए हैं, एक मंथ का क्राइटेरिया है और दूसरा सेल पर्सन का क्राइटेरिया है। सो ये एक टेबल के जो टोटल आ रहा है ये टोटल एवरेज है, मींस के फार्मूले को देखें तो ये एवरेज ही है, इन सब की एवरेज है। तो ये जो मैंने ये ग्रीन सिलेक्ट किया है, ये हमारा पूरे उस लेक्चर का एक एंड पॉइंट है। ये अब जब निकालेंगे तब आपको बताएंगे। सो आइए सम इफ्स का फार्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पे इक्वल का साइन दबाया और एवरेज इफ्स का फार्मूला यूज़ करना है। एवरेज इफ्स पे गए, टैब का बटन दबाया। अब देखें यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ रिमाइंड करा दूँ, जैसे हमने सम इफ्स का फार्मूला यूज़ किया था तब वो हमसे पहले एवरेज रेंज की बजाय यहाँ पे हमसे सम रेंज मांग रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे एवरेज रेंज मांग रहा है, तो एवरेज रेंज हमारे पास ये सेल की वैल्यू ही है। इसको सिलेक्ट कर लें टॉप टू बॉटम और टोटल को सिलेक्ट नहीं करना, यहाँ तक सिलेक्ट करना है। F4 के बटन से इसको फिक्स कर देना है, देन कॉमा दबाना है। अब वो हमसे मांग रहा है क्राइटेरिया रेंज 1।
अब हमारे पास दो क्राइटेरिया हैं, क्योंकि IFS का फार्मूला यूज़ कर रहे हैं और IFS के फार्मूले में मोर देन वन क्राइटेरियाज होते हैं। यहाँ पे एक क्राइटेरिया ये है सेल पर्संस, दूसरा क्राइटेरिया मंथ्स हैं। जो आपका दिल कहे, जिसको पहले आप पहला क्राइटेरिया बना लें। मेरा दिल कर रहा है कि मैं यहाँ पे सेल्स पर्सन को अपना फर्स्ट क्राइटेरिया कंसिडर करूं, लेकिन यहाँ पे वो मांग रहा है क्राइटेरिया की रेंज मांग रहा है। ठीक है, इसको करें ख़त्म और इसकी रेंज की तरफ चलते हैं। ये रेंज है सेल्समैन की, टॉप टू बॉटम इसको सिलेक्ट कर लें। ठीक है, ये हमने सिलेक्ट कर ली और इसको F4 से हमने फिक्स कर दिया, कॉमा दबाया और इसी रेंज का क्राइटेरिया मांग रहा है हमसे। क्राइटेरिया जो है वो ये है। ठीक है, ये क्राइटेरिया हमने सेलेक्ट कर लिया। अब F4 का बटन दबा के इसको फिक्स कर लेना है। ठीक है, कॉमा दबाएंगे, फार्मूला थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाएगा। अब क्राइटेरिया रेंज 2 हमसे मांग रहा है। ठीक है, क्राइटेरिया रेंज 2 हमने क्राइटेरिया तो ये सेट किया था मंथ्स, इसका रेंज कहाँ पे है? ये रेंज है, इसकी तरफ मूव करेंगे, टॉप टू बॉटम सेलेक्ट कर लेंगे। टॉप टू बॉटम सेलेक्ट किया और इसको F4 के बटन से फिक्स कर दिया, कॉमा दबा के अब क्राइटेरिया देना है इसका। इसका क्राइटेरिया हमारा यहाँ पे टेबल में मौजूद होगा, ये वाले मंथ्स हैं, इनको सेलेक्ट करना है और ये सेलेक्ट किया, इनको फिक्स करना है, F4 से फिक्स कर देना है, कॉमा अब नहीं दबाना क्योंकि हमारा क्राइटेरिया 3 यहाँ पे नहीं है। अगर होता तो तब हम तीसरे क्राइटेरिया रेंज की तरफ मूव करते। सिंपली कॉमा को रिमूव करें, ब्रैकेट क्लोज कर दें, हमारा फार्मूला कंप्लीट है। इंटर का बटन दबा दें। अब इसको फार्मूले को कॉपी करके यहाँ तक पेस्ट करें, फिक्स हो गया, कम अप। अब देखें ये क्या चीज़ निकली है हमारी। हमारे एक्सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने अपनी सारी चीज़ें अप्लाई कर ली। ठीक है, अब हमने देखना है कि सेल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये देखना है ये क्या चीज़ निकली है। ये वो चीज़ है, एक एक चीज़ को देख लें। ये वाला फिगर जो क्या कहता है कि हमारी मंथली एवरेज सेल इस पर्सन की इतनी है, जनवरी में इतनी थी, फेब में इतनी और मार्च में इतनी रही। ठीक है, असलम की ये वाले फिगर्स रहे, मोहसिन के जनवरी में एवरेज ये सेल थी, फरवरी में ये सेल रही और मार्च में यह सेल रही। अब इन टोटल का देख लें कि ताहिर ने इन तीनों मंथ्स में एवरेज कितनी सेल की थी, तो ये वाली थी 44,133 थी। ठीक है, मैं यहाँ पे सम का फार्मूला यूज़ नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ एवरेज का, इन सब का एवरेज 44,132, 3 महीनों की एवरेज थी। और अब हम नीचे जब मूव करेंगे, नीचे मूव करने के बाद ये वाला जो फिगर आ रहा है 51,553 का, ये सबसे क्रूशियल फिगर है और पूरे लेक्चर का एक की पॉइंट है। वो ये बता रहा है कि आपके 3 महीनों की जो एवरेज डेली सेल रही है वो ये है, 3 महीनों की एवरेज डेली सेल 51,553 रही है। अगर आपने यहाँ पे क्राइटेरिया सेट किया होता कि हमने डेली 50,000 की सेल करनी है, इससे ऊपर जितनी करेंगे हमें पर डे के हिसाब से प्रॉफिट होगा, तब आपने ये जो एक हमारा क्राइटेरिया सेट हुआ हुआ था तब आपने वो मीट कर लिया। अगर वो 50,000 से कम आता है तो मींस के 50,000 का वो फिगर है कि आपके सारे एक्सपेंसेस, आपके सारे के सारे मींस के कंपनी का जो प्रॉफिट लेवल है वो वहाँ तक सेट है। 50,000 की सेल करनी है, सारे आपके जनरेट ख़त्म हो जाने हैं एक्सपेंसेस के और कंपनी का प्रॉफिट में रहेगी। अब आपने उस सिलेक्टेड क्राइटेरिया से भी ऊपर सेल की है पर डे 3 महीनों में, तो इट्स मीन आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये थी हमारी सेल एनालिसिस और एवरेज के चारों फंक्शंस हमने यूज़ किए और उम्मीद है आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा ये लेक्चर। अब नेक्स्ट हमारे जो लेक्चर्स आएंगे इसी तरह कम्प्लेक्स होंगे और बड़े ही मुफीद होंगे। ठीक है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने,
ताकि हमने ये जो क्रैश कोर्स निकाला है इससे आप फुली तौर पे मुफीद रहें, ठीक है। और बेल आइकन को भी क्लिक करें आगे आप नेक्स्ट आएगी वीडियो ताकि आप तक बरवक्त पहुँचें। और अपना ख्याल रखिएगा, हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट की सूरत में। और अल्लाह हाफिज़।